सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सबके। हमारा रामी लोंडे फिर से आ चुके हैं, ठीक है। आज किसका करने वाले बता लोंडे? ब्रह्मास्त्र आज ही आया, तो आज ही हम रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट रिव्यू हमारा ये है, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन। इससे पहले जितनी वीडियो बनाई है उसका एक दो दिन पहले करा, मगर इसका आज सेम डे ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रेलर सुबह ही आ गया था तो हमने देखा भी नहीं था, ठीक है, बिना किसी बीसी के। मतलब मेरी आवाज़ बुरी लग रही थी बोलने। हाँ तो हर बार मैं कहता हूँ स्टार्ट करते हैं बिना किसी पीसी के, थोड़ी सी हो गई, कोई बात नहीं, माफ कर दो ला भला। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। स्टार स्टूडियोज ब्लैक लग रहा है, जल वायु अग्नि, प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो अस्त्रों में पड़ी हुई है। बढ़िया लग रहा है यार। ये कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र, और एक ऐसे नौजवान की जो इस बात से अनजान है कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है, शिवा। शिवा कौन हो तुम? मुझे क्या हो तुम? अरे वाह, क्या हो तुम? कमाल है, फायर है, बॉम है। ओ भाई, अरे 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 शिवा, तुम्हारा हाथ। ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। अच्छा, कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके ओ कुछ भाई, अबे यार कितना शानदार गेम है यार। नंदिन समर्थ्यम हे नंदी अस्त्रम, अबे ओए साउथ का एरिया, लेकिन एक अंधेरा भी है जो सब कुछ भस्म कर देगा। मौनी 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 रोए, एक मत रोए भाई, क्या चीज है ये, क्या बवाल है। तुम जुड़े हुए हो शिवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र, अग्नि अस्त्र। आलिया, हाँ बढ़िया है भाई, बहुत बजट वाली पिक्चर लग रही है मुझे। पावर ऑफ ब्रह्मास्त्र लव, फायर पार्ट वन शिवा, इसको और पार्ट आएंगे इसका अंदर भी आगे। भाई बोलो, तुम बोलो, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। भाई मुझे लग रहा है कि अब सुपर हीरोज आने वाले हैं इंडिया में बहुत जल्द, क्योंकि इसमें जो बताया कि अस्त्र थे पहले और अस्त्र है होते हैं जो भी है फिलहाल, तो इसका पार्ट वन है शिवा जो ब्रह्मास्त्र है। अब मैं बोलता हूँ, ठीक है, तुमने बहुत बीसी कर ली गाइज। मैं तुमको पहली चीज़ सबसे पहले, मुझे ना VFX और जितना भी लाइटनिंग चल रही है ना उसके अंदर, सीन्स और डायरेक्शन सब बेस्ट लगा, ठीक है। और यार भी अच्छी है यार, जब मैंने तुझे मौका दिया था बोलने को, अब मेरी बारी है। हाँ तो गाइज मैं कह रहा था VFX बहुत शानदार है, डायरेक्शन भी बढ़िया लगी, मतलब मुझे ना देख के सस्पेंस आ रहा कि मतलब क्या चीज़ है, क्या होगा, मतलब कुछ क्लियर नहीं है दिमाग के अंदर कि ये क्या चीज़ है। शायद एक्सप्लेनेशन होगी इस वाले पार्ट में और आगे इसके बहुत ज़्यादा पार्ट आने वाले हैं, मगर हाँ जो भी था एक्सपीरियंस बिल्कुल न्यू था, एक्साइटिंग था और एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा इसको देखने के लिए कि क्या चीज़ है यार ये, और कैसे सुपर हीरोज हैं, क्या पावर है, और VFX कैसे हैं, और इतने बहुत से कैरेक्टर है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी का रोल होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा, बहुत मज़ा आएगा। अब बोल तू। और जो है हमारे अमिताभ बच्चन सर जो है उन्होंने इसमें रोल करा है एज अ मेंटोर का शायद शिवा के, क्योंकि वही बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी ताकतों का अंदाज़ा नहीं है शिवा, तो वही उसे समझाएंगे एज अ मेंटोर लेकर जाएंगे उसे। और इसकी बात करूँ तो मुझे BGM बहुत तगड़ा लगा इसका, मतलब कैरेक्टर्स भी अच्छे थे सारे के सारे, एक्टर भी बढ़िया, VFX भी बढ़िया भाई, डायरेक्शन भी बढ़िया, स्टोरी भी बहुत एक्साइटेड है कि मतलब क्या होगा, सस्पेंसफुल है पूरा पूरा।
तो यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड इस चीज की, और मैं खुश हूँ कि बॉलीवुड में चलो एक ऐसी चीजें आने लगी जो कि बॉलीवुड उठ सकता है, सुपर पावर जैसी चीजें आने लगी, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज के लिए। और कहानी भी बिल्कुल दमदार लग रही है कि मतलब अलग ही वर्ल्ड दिखाएंगे, शायद इसके अंदर कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, जैसा भी होगा देखेंगे ठीक है हम सब साथ मिलकर। तुम अपना बताओ नीचे कमेंट में कि तुमको क्या चीज अच्छी लगी, तुमको अच्छी लगी बुरी लगी, जो भी है अपना कमेंट करके बताओ। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं। शाहरुख खान भी आएगा शायद प्रेडिक्शन।